हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है और मैं हूं नेहा। हम सारे पेरेंट्स को पहले थैंक करना चाहते हैं फॉर द ग्रेट जॉब दैट दे आर डूइंग विद देयर चिल्ड्रन। पेरेंटिंग जर्नी इजी नहीं होती है अगर आप स्पेशली आपका जब स्पेशल नीड्स चाइल्ड हो। सो आप सबका के लिए हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम एक जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कलर्स। नाउ कलर्स एक ऐसा कलर्स है, उसका क्या इफेक्ट होता है एक ऑटिस्टिक चाइल्ड पे। नाउ ये दिस इज समथिंग जो हमने इसके बारे में हमने खुद भी नहीं सोचा था। एंड जब हम रिसर्च कर रहे थे अलग अलग टॉपिक्स पे, तब हमें तो कलर्स के बारे में पढ़ने का मौका मिला। एंड हमें पता चला कि कलर्स कैसे बच्चे को अफेक्ट करते हैं, उनका सरप्राइजिंगली काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है। सो आज का टॉपिक हमारा यही है कि वाई कलर्स मैटर। अब जो बच्चा ऑटिज़म पे है उनके लिए जो सेंसरी सेंसिटिवनेस है वो एक डेली रियलिटी है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें एज पेरेंट्स हर बार वो नोटिस नहीं कर पाते या हमें पता नहीं चल पाता है। बच्चा टू सम एक्सटेंट अडॉप्ट कर लेता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी जो रियलिटी है, सेंसरी सेंसिटिवनेस है, वो चले गई है। सो अगेन एज आई टोल्ड यू, कुछ हमने पहले सेंसरी वाले वीडियोस में भी डिस्कस किया कि कुछ बच्चे हाइपर होते हैं, कुछ हाइपो होते हैं, मतलब कुछ ओवर सेंसिटिव होते हैं, कुछ अंडर सेंसिटिव होते हैं। सो ये जिस विषय में हम आज बात करने वाले कलर से, वो बेसिकली ज़्यादा ओवर सेंसिटिव बच्चों में को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सो नॉट एवरीथिंग जो हम डिस्कस करेंगे मे बी एप्लीकेबल आपके बच्चे के लिए। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है तो हमें अंडरस्टैंड करना कि जो कलर्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे घर में, हमारे आसपास, जो हमारे रूम में, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं बच्चे को कामिंग एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो पहली बात जो कलर्स अवॉइड करना चाहिए, वो यूजुअली जो उनको इरिटेट कर सकते हैं कलर्स, वो होते हैं जैसे ब्राइट कलर्स होते हैं और बहुत इंटेंस होते हैं कलर्स। तो उनको देख के उनको मज़ा नहीं आता, उनको देख के किसी को भी मज़ा नहीं आता, बट उनको देख के उनसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आती है। इट ट्रिगर्स एंक्शसनेस, इट ट्रिगर्स उनकी मतलब उनको फोकस करने में प्रॉब्लम आती है। इवन कई बार मेल्टडाउन्स हो जाते हैं। जैसे कलर्स होते हैं जैसे बहुत ही फ्लोरेसेंट येलो या बहुत ही ब्राइट रेड या ऑरेंज एंड नियॉन ऑरेंज, बेसिकली एनीथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली ब्राइट एंड हर्टफुल टू द आइज जनरल वे में, उनके लिए वो ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है। एंड सेम चीज़ होता है हाई कॉन्ट्रास्ट पैटर्न्स में। पैटर्न्स तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सुंदर पैटर्न्स होते हैं, बट दोज डेंस पैटर्न्स वी आर टॉकिंग अबाउट पैटर्न्स विच आर मतलब एक तो बहुत ही बिजी प्रिंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, एकदम से बहुत सारा चीज़ें इकट्ठे आ गया, तो बच्चे को वो इरिटेट कर सकता है। ब्लैक एंड वाइट में भी लेकिन स्ट्राइप्स होते हैं, लेकिन इट्स एक्सट्रीमली कॉन्ट्रास्टेड, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। देयर आर सर्टन थिंग्स दे डोंट एंजॉय एट ऑल। तो इन कलर्स से आपको पता चलता है कि हाँ, वो कलर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हमने कहा कि वी डोंट टेक इन टू कंसिडरेशन कि बच्चों को मतलब कलर से क्या होएगा, कलर इज कलर। बट जैसे हमने भी नोटिस किया कई बार, जैसे हमारे बच्चे को रेड कलर इतना पसंद नहीं है, ही इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टेड टू इट, बट अब ओवर द टाइम्स ही इज गॉट यूज टू इट, दैट इज देयर, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच ही रियली गो टू। सो वो कुछ हम पैटर्न्स आपको भी स्क्रीन पे हम अपने शेयर करेंगे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मतलब आप भी हम भी कभी कभी रियलाइज़ करते हैं कि कुछ पैटर्न जो है इस तरह के हैं कि बिल्कुल पसंद नहीं आते, कुछ कलर बहुत ही हमें भी आंखों को चुभते हैं। तो एज अ टू एन ऑटिस्टिक चाइल्ड प्रॉब्ली उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। बट मैं आपको एग्जाम्पल स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। सो हमें अपने घर के इन्वायरमेंट में जनरली हमें जहाँ बच्चा मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है, जो हमारे कंट्रोल में, हर जगह तो हमारे कंट्रोल में नहीं है इसकी बाहर क्या है, स्कूल में कहाँ है, जो बाहर जा रहा है वहाँ क्या कर रहे हैं, बट जो हमारे घर के इन्वायरमेंट में जिसको हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं, जनरली सॉफ्ट कलर्स दीवार पे, मैट फिनिश के, ज़्यादा शाइनी कलर्स नहीं, ज़्यादा बहुत एक्सट्रीमली ब्राइट कलर्स नहीं। सॉफ्ट ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, बेज हो सकता है, टैन्स हो सकते हैं, सॉफ्ट ग्रे कलर्स हो सकते हैं। लिटरली क्रिएटिंग अगर जंगल के जो कलर्स होते हैं, नेचर इंस्पायर्ड कलर्स। इनफैक्ट हमने अपना घर अभी कुछ हमने रियलाइज़ नहीं किया था ये, बट थैंकफुली हमने कुछ घर में पेंट कराया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऐसे कलर्स चूज़ किए थे जो यू नो नहीं, हमें भी अच्छे लग रहे हैं, तो इसलिए सो जो बच्चे को थोड़े से कामिंग एंड सूदिंग लगे। एंड ये एक बच्चे का टू सम एक्सटेंट आपका जो सेंसिटिविटी से रिलेटेड जो आपका जो बच्चे को ट्रिगर कर सकता है कोई भी बिहेवियर, उसको थोड़ा टू एन एक्सटेंट यू नो हेल्प कर सकता है ओवरकमिंग दैट। फिर आता है पर्सनलाइजिंग द पैलेट। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बच्चे का पर्सनलाइज वे होना चाहिए, उसमें आपको पता है हर किसी को डिफरेंट कलर्स पसंद है, बच्चों को भी नोटिस करिए क्या पसंद है, व्हाट इज इट दैट दे रियली लाइक, व्हाट इज़ यूनिक इन योर चाइल्ड, व्हाट यूनिक कलर्स डू दे लाइक। एंड बहुत ज़्यादा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों का होता है एक पर्टिकुलर कलर या दो पर्टिकुलर कलर्स उनको बहुत पसंद आते हैं। मुझे पता है कि हमारे बच्चे को ग्रीन बहुत पसंद आता है, क्योंकि स्कूल में भी जब वो करता है तो मुझे बोला गया कि पहला हाथ जब उसका जाता है वो ग्रीन कलर पे जाता है, एंड ही रियली एंजॉयज दैट। एंड उनका आप देखिए कि वो आप किस तरीके से उसको अपनी आसपास लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉल्स इन द हाउस, इट कैन बी अबाउट द क्लोथ्स, वो कौन से कलर के क्लोथ्स पहन रहे हैं, उनके ऊपर क्या सूदिंग उनको क्या सूदिंग लग रहा है। अगर कोई ब्राइट कलर भी है बट अगर पर्टिकुलर एक कपड़े पे होता है तो इट्स मेलोज डाउन, तो वो भी चीज़ें आप देख सकते हैं। यू कैन ट्राई एंड टेस्ट। मेरे को लगता है वो एक पैलेट पर्सनलाइज करें तो उसमें बहुत अच्छा भी लगता है बच्चों को, दे एन्जॉय इट, जो उनके साथ जिससे उनको कामिंग इफेक्ट रहता है हमेशा। अदर सेंसेसरी कंसिडरेशंस विच आप यू शुड टेक केयर अपार्ट फ्रॉम जो कलर्स हैं वो है लाइटिंग। जनरली बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स नहीं पसंद आती बच्चों को। सॉफ्ट लाइटिंग, एडजस्टेबल लाइटिंग करिए। हमारे घर में जैसे अगर 2-3 लैम्प्स हैं तो हमने यू नो वार्म वाइट का भी रखा हुआ है, बल्ब लगाया हुआ है, और 1-2 में हमने वाइट का भी लगाया हुआ है। सो डिपेंडिंग किस तरह की सिचुएशन है, अगर वो सोने वाला है कि मूड जब सोने का उसका टाइम हो रहा है तो शायद एक कुछ देर टाइम पहले वार्म वाइट लगा देंगे तो थोड़ा सा कामिंग एटमोसफियर हो जाएगा। सो लाइटिंग की रोल प्ले करता है। साउंड्स, अनप्रेडिक्टेबल लाउड साउंड्स और नॉइजेज़ ये बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। मैक्सिमम बच्चों को हमने खुद देखा है अपने बच्चों के साथ। आपकी अगर मिक्सर का साउंड हो गया, वॉश या कोई ऐसी लाउड जैरिंग साउंड हो गई, वो बच्चे को पसंद नहीं आती है। सो साउंड इज ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल। एंड देन टेक्सचर्स। टेक्सचर मतलब आपके कपड़ा सॉफ्ट है, रफ़ है, स्क्रैची मटेरियल का है, किस तरह का है। टेक्सचर्स ऑफ द बेड शीट, टेबल पे आपने कोई कपड़ा बिछाया हुआ है जो चुप तो नहीं रहा है, किस तरह का है, ज़्यादा रफ़ तो नहीं है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी नहीं है। बिल्कुल मतलब वेलवेट का भी बहुत इरिटेटिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, वो सॉफ्ट है मगर वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, कुछ अलग ही चीज़ है। सो आप खुद अपने बच्चे के साथ रियलाइज़ करेंगे कि अलग अलग जब उसको क्लोथ भी बनाते हैं कि कौन से टेक्सचर उसको कुछ पसंद आते हैं। जैसे जीन्स का कपड़ा है वो रफ है, वो शायद नहीं पसंद आता है, बहुत कम पसंद आता है, उसमें भी सॉफ्ट मटेरियल आता है। अब तो वही हम अपने बच्चे के साथ भी देखते हैं, वो उसको प्रेफर्स दैट। सो आप रियलाइज़ कर लेंगे कि कौन से टेक्सचर उसको अपने लाइफ में मतलब इतने पसंद नहीं आते, जो खुद कपड़े पहनता है, तो उसी हिसाब से आप उसको बेडशीट में, टेबल पे, अलग अलग जगह जहाँ भी घर में अलग अलग आप क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं, तो उस तरह का आप टेक्सचर उसके हिसाब से फ्रेंडली मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। घर पे आपको एक सेंसरी फ्रेंडली होम करना है। इट्स अ बिग जर्नी, ये कोई ओवरनाइट नहीं होता, इट टेक्स टाइम। आपको देखना पड़ता है आपको बच्चे को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली आप अपनी चीज़ें भी मतलब यू कीप देम इनटू कंसिडरेशन। हर चीज़ आप करते हैं बच्चों के हिसाब से, बट कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से भी करने का मन करता है। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ द कलर्स, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द सेंसरी एलिमेंट्स जो उसमें होएगा, बिकॉज हमें स्पेसेस ऐसी क्रिएट करनी है जहाँ पे सबको अच्छा लगे। यू फील लव्ड, यू फील सेफ, यू फील काम। ये नहीं कि आप घर में है तो आपको लगेगा भड़कीला घर है कि बिल्कुल आप डर जाए खुद ही घर के अंदर आने से, तो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपको ये पसंद आया हो सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द लाइक बटन। अगर एंड एनी रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगता है तो प्लीज़ put them in the comment section। आपको लगता है आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस, बिकॉज उससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है देखने का कि मतलब किसी और ने क्या एक्सपीरियंस किया है, हमें कैसे हेल्पफुल करेगा। How will it be helpful for us, and how can it help other parents on the same at the same place as well? And thank you for watching. Thank you so much.